नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। व्हाट्सएप ने अब तक देश में 20 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया है। आईटी रूल्स के तहत ये कार्रवाई की गई है। वहीं अगर अक्टूबर की बात करें तो उसे 500 शिकायतें मिली, जिसमें 18 अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बता दें कि बैन अपील के तहत ये कार्रवाई की गई है। बता दें, इसी वजह से कई लोग व्हाट्सएप का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। कंपनी इन व्हाट्सएप अकाउंट्स पर समय समय पर एक्शन लेती रहती है। अब एक बार फिर व्हाट्सएप ने इन प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने वाले 20 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स पर एक्शन लिया है। कंपनी ने अक्टूबर कंपाइल रिपोर्ट में बताया कि इसे अक्टूबर महीने में 500 ग्रीवेंस रिपोर्ट मिले। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ने 20,59,000 भारतीय अकाउंट्स को इस टाइम पीरियड के दौरान बैन किया। आपको बता दें, इसके प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय खाते की पहचान +91 फ़ोन नंबर के जरिए की जाती है। वहीं कंपनी ने कहा कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज के बीच दुरुपयोग को रोकने में इंडस्ट्री सबसे आगे है। इन सालों में कंपनी ने लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश किया है। इसके अलावा कंपनी ने दूसरे आर्ट टेक्नोलॉजी, डेटा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स और प्रोसेस में निवेश किया है, जिससे यूजर्स उसके प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रह सकें। व्हाट्सएप स्पोक पर्सन ने आगे बताया कि आईटी रूल्स 2021 के तहत कंपनी ने 5वीं बार मंथली रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ये रिपोर्ट अक्टूबर महीने का है। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में बुरे बर्ताव को लेकर व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर हर महीने औसतन 80 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स पर बैन लगाता है। वहीं भारतीय 2.2 मिलियन से ज़्यादा खाते पर अब तक रोक लगाई गई है। इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को सितंबर में 560 शिकायतें मिली। व्हाट्सएप ने कहा कि उसे अक्टूबर में 500 यूजर्स रिपोर्ट मिली, जिनमें खाते के समर्थन, प्रतिबंध, अपील, दूसरे सपोर्ट, प्रोडक्ट सपोर्ट और 11 सेफ्टी के लिए थी। इस दौरान अपील श्रेणी के तहत 18 खातों पर कार्रवाई की गई। जानकारी के लिए बता दें, व्हाट्सएप ने पहले बताया था कि 95% बैन ऑटोमेटेड या बल्क मैसेजिंग का अनऑथराइज यूज करना है। व्हाट्सएप ग्लोबल एवरेज में 80 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स हर महीने बैन करता है। सितंबर में भी व्हाट्सएप ने 20 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स को बैन किया था। इस दौरान इसे 560 ग्रीवेंस रिपोर्ट मिले। आपको बता दें कि नए आईटी रूल्स के अनुसार 5 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को हर महीने कंपाइल्ड रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।